रजनी अग्रवाल, आप सभी का अंजू किचन घर में स्वागत करती हूँ। आज मैं बचे हुए चावल से स्टफ रोटी बनाऊंगी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ये मैंने 2 कप आटा लिया है। अब इस आटे से हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसमें हमें नमक अजवाइन कुछ भी नहीं डालना है। जो भी हम डालेंगे वो चावल के मसाले में डालेंगे। डो हमारा तैयार हो गया है। अब कुकिंग ऑयल लगा के इसे चिकना कर लेंगे। आटे को भी मैंने चिकना कर लिया है। चलिए अब चावल की स्टफिंग तैयार करते हैं। ये मैंने एक प्याज लिया है जिसे महीन महीन चॉप्ड कर लिया है। ये धनिया पत्ता, इसे भी इसमें डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून कलर के लिए हल्दी, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। अब इन मसालों को आपस में अच्छी तरह मिला लेंगे। ये हमारी चावल की स्टफिंग बनके तैयार है। अब इसे रोटियों में भर के बेलेंगे। अब इस आटे से मैं एक लोई तोड़ूंगी। देखिए, ये मैंने लोई ले लिया है। अब इसमें अपनी थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसमें स्टफिंग को भरेंगे। इस तरह से करना है स्टफिंग भरने के लिए। ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें स्टफिंग को डालेंगे। और आटे से इसके मुंह को बंद कर देंगे। थोड़ा इसे चपटा कर लेंगे, इससे हमारा मसाला चारों तरफ फैल जाएगा। अब सूखा आटा लेकर इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। रोटी मैंने बेल के तैयार कर ली है। तवा हमारा गर्म हो गया है। इसमें थोड़ा कुकिंग ऑयल फैला देंगे। अब इस पर हम ये चावल की स्टफ बेली हुई रोटी को डालेंगे। अब रोटी को पलट देंगे। और इस पर रिफाइंड लगा देंगे। पलटकर दूसरे साइड से भी लगा देंगे। रोटी को चाहे तो आप सरसों तेल में भी सेक सकते हैं, उसमें भी ये चटपटा और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे दबा दबा कर लाल होने तक सेकेंगे। देखिए, इस साइड से हमारी सिक गई है। अब दूसरे साइड से भी ऐसे ही लाल लाल कर लेंगे। ये रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और हमारा बचा हुआ चावल भी प्रयोग में आ जाता है। रोटी हमारी लाल लाल हो गई है दोनों साइड से। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा बचे हुए चावल से स्टफ रोटी बनके तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में भी बताएं कि हमारी ये स्टफ रोटी कैसी लगी। थैंक यू।